अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मैं ये दूसरी ट्रेनिंग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ना मेरी ट्रेनिंग वीडियो की समझ नहीं लग रही कि वर्क क्या करना है। वर्क खैर बेसिकली उनको पता तो चल जाता है वर्क क्या है, लेकिन उनको ये पूरी डिटेल में पता नहीं चल रहा था कि वर्क क्या है। तो सब आपको सबसे पहले मैं फेसबुक एड शेयरिंग का वर्क बताता हूँ आपने ये कैसे करना है। तो यहाँ पर वर्क ये होता है कि आपको ऐड दी जाएगी जो आपने फेसबुक की शेयरिंग फेसबुक पर शेयर करनी होती है, जो आपने फेसबुक पे शेयर करनी है वो ऐड आप हम अपनी पेज पे अपलोड कर देंगे और उसका लिंक जो है ना वो आपको व्हाट्सएप पे कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये ऐड है, तो इस ऐड को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आपको व्हाट्सएप आपके इनबॉक्स में शेयर कर देता हूँ कि भाई आपने ये इस ऐड को आपने इतनी बार शेयरिंग करनी है। तो आपने वो शेयरिंग कैसे करनी है, व्हाट्सएप इनबॉक्स में चलता हूँ। जैसे ये भाई को मैंने ये उसको ऐड दी, इसका लिंक दिया हुआ, ठीक है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आप कोई भी किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन कर लें, इंटरनेट में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऐड जो हमने वहाँ पे अपलोड की है, खैर मैं आपको ये तो नहीं दिखाई, लेकिन ये ऐड मेरे पेज पे ही अपलोड है। तो ये डायरेक्टली आपने लिंक को ओपन किया तो ये ऐड ओपन होगी। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जाना है शेयर वाले बटन पे, शेयर वाले बटन पे जाते हैं, जाने के बाद फिर आपने शेयर इन ग्रुप्स में जाना है। लेकिन पहले ये चीज़ देख लेनी है कि इसकी शेयरिंग पहले कितनी हुई है। यहाँ पे शेयरिंग पहले ही हुई है 51, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ शेयर इन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इंटर ग्रुप में, आपके पास जितने भी ग्रुप है कोई भी एज शुरू करते हैं या एज से शुरू कर लेते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस का आपको कहा हुआ था आपने इन ग्रुप्स में शेयर करनी है, बाई एंड सेल, ऐसे ग्रुप से आपने शेयर करनी है। हम बाई एंड सेल में जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बाई एंड सेल होता है, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करते हैं पोस्ट। देखिए पोस्ट होगी, नीचे घर चलते हैं। अब ये चीज़ देखनी है आपने, नीचे देखना है यहाँ पे पोस्ट नहीं हुई, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस ग्रुप का जो एडमिन है उसने आपकी ऐड को प्रूफ करना है, तो फिर जाकर आपकी जो ऐड है ना ये शेयर होगी। और ऐसे अकाउंट भी ऐसे होगी, अगर एडमिन प्रूफ करता है और आपकी ऐड शो होती है तो प्रूफ होगी, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं, एक और दफ़ा शेयर करते हैं, ऑनलाइन पर चले जाते हैं। ऑनलाइन जॉब इन पाकिस्तान में करते हैं पोस्ट, सॉरी यहाँ भी पोस्ट ही हुई, ऑनलाइन पार्ट में करते हैं। यहाँ देखिए शेयर होगी, नीचे चलते हैं, खैर यहाँ भी उसने प्रूफ नहीं किया, बैक आते हैं। पाकिस्तान फ्रीलांसर में करके देखते हैं, आपने ग्रुप ऐसे ज्वाइन करने हैं जो जिनके मेंबर्स 2000 या 1500 तक हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप आपने जो ज्वाइन करने हैं उनमें आपने ऐड की शेयरिंग का वर्क करना, फिर आपकी जो वर्क है ना वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरी बात, आपने आईडी एक आईडी से यूज़ नहीं करना, आपने 3 या 4 IDs बना लेनी और उसमें जो टोटल 3-4 IDs के ग्रुप को मिलाकर आपने जो ज्वाइन करने हैं 200, 150 या 200 तक आपके ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है ना। ताकि अगर कोई एडमिन आपकी जो ऐड अप्रूव नहीं करते तो बाकी जो आपने बात ज़्यादा शेयरिंग की होगी ऐड की, तो वो आप मिलाकर आपका टोटली मतलब जो टास्क होगा वो जितनी ऐड दी जाएंगी वो पूरी हो जाएगी, ऐसा आपका टास्क नहीं कम्प्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐड शेयर होगी, ये लिखा है शेयर अ पोस्ट, ठीक है। अब कुछ कहते हैं यार हमने वर्क किया तो इसको कैसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए तो भाई अगर आप खुद चेक करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल के जाने के बाद आपने
थ्री डॉट वाला बटन होता है, यहाँ पे जाना है। सॉरी, बिलीव करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल प्रोफाइल में जाते ही एक मेंबर की ऐप थी, सॉरी प्रोफाइल थी, तो उससे पूछ कर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट वाले बटन पे जाना है। यहाँ पे जाने का फिर आपने चले जाना एक्टिविटी लोग। एक्टिविटी लोग मतलब आप अपनी आई डी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखें हमने कितनी ऐड शेयर की थी, शेयर हुई है तकरीबन 4 या 5 दफ़ा शेयर की है, लेकिन उसमें से जो डायरेक्टली शेयर हो गई है ग्रुप्स में वो ये 3 दफ़ा हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शो उन्होंने कर दी है। एक ओपन करके देखती है, पब्लिक ग्रुप ये देखने शो कर रहा है। ठीक है, तो आपका वर्क भी ऐसे ही चेक होता है। अगर आप वर्क सबमिट करवाने लगे हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्टिविटी लॉग पे जाकर देखना क्या आपकी शेयरिंग कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो फिर आपने अपने ईमेल और पासवर्ड जिन अकाउंट से आपने वर्क किया होगा, याद रहे जिन अकाउंट से आपने फेसबुक का वर्क किया होगा, आपने उसी का ईमेल और पासवर्ड सेंड करना है ताकि हम आपको काम को इस तरह चेक करेंगे। ठीक है, ये तो फेसबुक का वर्क होगा ना, आपने वर्क कैसे करना है। अब यहाँ पे बहुत अहम बात ये है कि अगर आप शेयरिंग एट अ टाइम 10 से ज़्यादा करते हैं ना, तो मतलब 20 बार कर लेते हैं, 25 बार कर लेते हैं, या कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम बस एक दफ़ा काम को कंप्लीट कर लें, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने एट अ टाइम 10 बार शेयरिंग करनी, फिर 1 या 2 घंटे का डिले कर लें, फिर 10 या 8 बार शेयरिंग करें ताकि आपकी शेयरिंग भी होती रहे और आपका अकाउंट भी ब्लॉक ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा था 2 या 3 आपने अकाउंट बना लेने फेसबुक के, और वहाँ पे आपने टोटल ग्रुप जो ज्वाइन करने हैं ना वो आपने 200, 150 या 300 ग्रुप्स में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो उनके जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन करना उनके मेम्बर्स जो है ना वो 100 तक होने चाहिए। ठीक है, और मेन बात है और ये है कि आपने जब शेयरिंग करनी है तो एक ग्रुप में बार बार पोस्ट को शेयर नहीं करना, ऐसे आपकी जो ऐड होगी वो काउंट नहीं होगी। और जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन करना वो तो हम काम देते वक्त भी आपको बता दें, लेकिन मैं अभी भी आपको यहाँ भी बता दूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए महीने के आपको कौन से ग्रुप ज्वाइन करने हैं। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन जॉब्स, बाई एंड सेल्स, पाकिस्तान के जितने भी ग्रुप्स हैं ना, इस तरह के जो बिज़नेस के हवाले से, ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, फ्रीलांसर के हवाले से, या ऑनलाइन मशवरे, ऑनलाइन बिजनेस के मशवरे, इस तरह के काफ़ी ग्रुप्स हैं ना वो आपने यूनिवर्सिटीज लगा लें, स्टूडेंट्स के जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं वो आपने ज्वाइन करने हैं और इन्हीं ग्रुप्स में आपने शेयरिंग करनी होती है। तो अब आपको मैं ओलेक्स का जो वर्क है वो आपको बताऊँगा, वहाँ पर आप इसका वर्क कैसे करना है। ओलेक्स पे चलते हैं, अभी मैंने सुबह एक ऐड लगाई थी वो रिजेक्ट हो रही है, तो चल ये तो रिजेक्ट हो गया, तो दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे जो ऐड लगानी वो कैसे करना है। तो सबसे पहले भाई आपने जाना है अपना सेल, सेल पे जाने के बाद आपने मोर कैटेगरीज में जाना है, मोर कैटेगरीज के बाद आप आ जाएं जॉब्स, जॉब्स के बाद आपने ऑनलाइन, ऑनलाइन भी आ जाएं। यहाँ पे आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है जॉब ऑफ़र, जॉब ऑफ़र सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाएं पार्ट टाइम, सैलरी रेट वीकली होगा, सैलरी फ्रॉम, अब यहाँ पे आप अर्निंग कितनी कर रहे हैं, 1000, मैंने आपको बताया था 1000 से लेकर 2000 तक आप वीकली कमा सकती हैं। तो टाइटल यहाँ पे क्या लिखना है, टाइटल्स जो भी आपने लिखने वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो टाइटल लिखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन, सॉरी ये लिख लेते हैं होम बेस्ड वर्किंग फॉर वुमेन। तो यहाँ पे आपने खुद से भी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, डिस्क्रिप्शन वैसे आपको हम भी सेंड कर देंगे।
तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इतना लिखा है, तो आगे क्या लिखना है यहाँ पे? आप सबसे मेन चीज़ आपने ये देखी है यहाँ पे, जो इंटरेस्टेड है वो इस वर्क की मुकम्मल डिटेल लेने के लिए इस कोड, ये कोड आपने ऐसे लिखना है, और इस नंबर, अब नंबर कैसे लिखना है, नंबर लिखने की जो मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ऐसे लिखना है, 0 लिखा है, स्पेस 3 स्पेस 2 1 स्पेस देकर फिर 8 फिर स्पेस स्पेस 6 स्पेस 3 स्पेस 1 8, मतलब आपको जो नंबर दिया जाएगा आपने नंबर ऐसे लिखना है कि हर वर्ड में आपकी स्पेस होनी चाहिए, सेंड करके डिटेल ले सकते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब ये चीज़ आए तो आपने क्या करना है कि ये जो इसको खत्म कर देते हैं, ये चीज़ खत्म कर देते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं। देखना आपने जो यहाँ ऐसी चीज़ है जो आपने ये डॉट या कॉमा जो ये ज़्यादा नहीं आपने मेंशन करना है, तो आपने ऐसे करना है कि ये जो नंबर है ना यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो नंबर पे आपने ये डैश देना है, 0 स्पेस 3 स्पेस 2 1 स्पेस डैश आगे फिर ये नंबर पूरा करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दी जाएगी, अगर पिक्चर दी है तो आप लगा लें, अगर आप पिक्चर नहीं मिली तो आप इसको वैसे ही छोड़ दें, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको लोकेशन भी दी जाएगी, आप किस लोकेशन में आपने ऐड लगानी है, मतलब एक लोकेशन की आपकी पूरी डिटेल में सेंड कर दूंगा, सॉरी मैंने लिखना था लाहौर, लोकेशन लिख दिया, तो लाहौर लिखते हैं, न्यू लाहौर सिटी, यही कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो आपने नंबर है ना, नंबर आपने अपना है इसको हाइड कर लेना, हाइड करने के बाद पोस्ट नाउ कर दें, अब यहाँ पे ऐड आपके पेंडिंग में है तो ये अप्रूव होगी, फिर आप कुछ नोटिफिकेशन इसकी भी आ जाएगी, अप्रूव हुई है। सो तो मैंने एक लगाई थी लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी, और रिजेक्ट भी इसी वजह से होती है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको आप चेंज कर लें, अगर फिर भी रिजेक्ट हो गए फिर आप लोकेशन चेंज कर दें, या फिर भी रिजेक्ट हो रही है डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से छोटी बना लें लेकिन उसमें ज़्यादा डॉट या कॉमा वगैरह ना आए, तो ऐसे आपकी जो लोकेशन वो भी ओके होगा, आपकी जो ऐड है ना प्रूव हो जाएगी। अब चलते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर लेकर उसकी फाइल कैसे बनानी है, तो मेरे भाई आपने ऐसे करना है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब ओपन कर दो, आपको एक लिंक दिया गया था, सॉरी चलो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से ओपन कर दो, ये देखिए ये मैंने भाई को एक लिंक दिया था, यूट्यूब सब्सक्राइबर आपने 5 लेने, तो भाई ये आपने ऐसे किसी को सेंड कर देना है लिंक, जिससे भी आपने इसका मतलब सब्सक्राइब करवाना है आपने इसको लिंक सेंड करना है, सेंड करने के बाद वो सब्सक्राइब करता है, तो ये मेरे चैनल है, तो मैं इस भाई को ओपन कर लेता हूँ, ये भी बहुत अच्छा। Hi guys, my name is Vinal Malik and I have joined Snap Family as a creator now. Thank you. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने इसको सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने के बाद आपने इसका लेना स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने मेन चीज़ ये देखनी है कि आपने जिससे सब्सक्राइब करवाना है उससे कहना भाई जिस अकाउंट से आपने सब्सक्राइब किया है उसका नाम, अब ये देखिए मैंने किस नेम से सब्सक्राइब किया, मेरा चैनल था मिस्टर आर्टिकल, तो उस भाई से कहना जब उसने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो स्क्रीनशॉट आपको ऐसे सेंड करें साथ भाई ये स्क्रीनशॉट है, ये सब्सक्राइब हुआ है और मिस्टर आइडिया के नाम से सब्सक्राइब हुआ है, तो आपने क्या करना है फिर जाना है ये इस ऐप में जाना है,
इस ऐप में जाने के बाद आपने इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। यही स्क्रीनशॉट था ना, तो ये ले ऐड कर लेते हैं। डन करते हैं। डन कर ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी बनानी है PDF फाइल। जब आपके सारे स्क्रीनशॉट पूरे हो जाएं तो आपने यहाँ पे जाना है PDF फाइल। PDF फाइल पर जाने के बाद यहाँ पे इसका नाम लिखें, नाम लिख लें जी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स स्क्रीनशॉट, इतना लिख लिया। तो नेक्स्ट क्या करना है, इंटर प्रोडक्शन नहीं जाना, अप्लाई ग्री छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, हाई नो कंप्रेशन ये भी ठीक, ओके। तो बस ठीक है, उतना ही करके बस में आपने इसको कर देना है ओके। आपकी ये फाइल होगी क्रिएट, यहाँ पे ऐड शुरू होगी, तो इसको कर दें क्लोज। आपकी ये ऐड बन गई, आपकी फाइल एक बन गई ना, तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, आगे मुझे शेयर कर दें जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपने फेसबुक ऐड को शेयर करने का तरीका भी आपको बता दिया, ओलेक्स पे कैसे ऐड लगानी वो तरीका भी बता दिया, सब्सक्राइबर लेकर उसकी फाइल कैसे बनानी आपको वो तरीका भी बता दिया। तो मेरे भाई यहाँ पे अर्निंग क्या है, तो अर्निंग आपको टास्क बता चुका हूँ, 300 वाला पैकेज है, 500 वाला पैकेज है। हाँ, और इसमें मेन बात ये है कि पर टास्क आपको फिक्स सैलरी भी बता दी गई है, अगर आपको नहीं पता तो आपको वर्क में बता दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप अगर रेफर बनाते हैं, अब रेफर बनाने का तरीका क्या है कि आपने शेयरिंग करनी, आपके पास कोई या तो उसको गाइड करें, ये करके अपने कोर्सेज को रेफर करवाएं, ज्वाइन करें, उनको भी ज्वाइन करवाता है, तो उसमें से अपना कमीशन है, ठीक है। जितना भी आपका पैकेज के हिसाब से कमीशन मिलता है, वो आपकी फिक्स सैलरी अलग होगी, कमीशन अलग होगा। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, कमीशन से जहाँ भी वर्क मर्जी आप वर्क कर लें, जिस मर्जी कंपनी में वर्क कर लें, फिक्स सैलरी से ज़्यादा आपकी जो अर्निंग होती है वो कमीशन से होती है। तो कमीशन बेस पे यार कमाना भी शुरू करके सोच रखें, उसको अपने आप को क्रिएटिव करेगा, अपने कमीशन से ज़्यादा अर्निंग करनी है भाई। सैलरी तो आपको मिलेगी मिलेगी, आपका काम को मिलेगा सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन ज़्यादा जो अर्निंग होगी वो आपकी कमीशन से होगी। तो ज़्यादा जो फोकस करें कमीशन पे करें, तो बाकी याद रखिएगा। आप वर्क करें, हम आपको वर्क देते हैं।